और फिलहाल कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ डॉक्टरों ने 2 घंटे की हड़ताल जो है वो की हुई है, यानी कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की विभिन्न मांगे हैं जो सरकार पिछले काफी समय से नहीं मांग रही है, उसी को लेकर आज डॉक्टरों ने हड़ताल की है। लेकिन अंदर की तस्वीर क्या है वो आपको दिखाएंगे। तमाम जो डॉक्टर हैं वो सीट पर मौजूद नहीं है, मरीज जो है वो डॉक्टरों की बात देख रहे हैं। लेकिन जिम्मेवार कौन है, आखिरकार क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है, क्यों मरीजों को परेशान किया जा रहा है, क्यों आम जनमानस को परेशान किया जा रहा है, आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि डॉक्टरों की काफी सालों से मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही, जिसको लेकर 2 घंटे की साकेतिक जो है वो धरना दिया है। फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कोई भी डॉक्टर जो अपने केबिन में मौजूद नहीं है, जिससे कि तमाम जो मरीज है वो बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। फिलहाल लगभग 11 बजने को है और डॉक्टर जो है वो 11 बजे तक हड़ताल पर थे। लेकिन हम डॉक्टरों से भी जानेंगे आखिरकार क्या कुछ मांगे और ये हड़ताल कितने दिन तक रहने वाली है। फिलहाल 1 दिन की साकेतिक हड़ताल है, यानी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इस हड़ताल को जो है वो रखा गया है। ये कैथल में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ये हड़ताल जो है वो की गई है। कल दोबारा से बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अगर सरकार डॉक्टरों की बात नहीं मानती है या डॉक्टरों के जो मांगे हैं उन पर कोई मोहर नहीं लगाती है, क्योंकि काफी लंबे अरसे तक ये मांगे जो है वो मान रहे हैं। लेकिन कैथल के अस्पताल की अगर बात करूं तो डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसको लेकर काफी घटनाएं जो है वो सामने आई हैं और काफी डॉक्टरों के साथ जो विवाद भी हुआ है। लेकिन डॉक्टर अगर यहाँ पर होंगे तो संख्या उनकी होगी, तो शायद मरीजों को जो है और बेहतर फैसिलिटी दी जा सकती है। लेकिन हम तमाम डॉक्टरों से बातचीत करेंगे, आखिरकार क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, किस तरह की मांगे हैं, अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में और क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। लेकिन लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम मरीज जो है वो वेट करते हुए नजर आ रहे हैं और डॉक्टर जो है वो अपनी सीट पर नहीं है। देखना ये होगा कि अब डॉक्टर कितनी जल्दी पहुंचते हैं और कितनी जल्दी है जो तमाम मरीज यहाँ पर मौजूद है उनका इलाज जो है वो करते हैं। और फिलहाल डॉक्टरों की जो हड़ताल चले उसको लेकर तमाम जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार 2 घंटे की हड़ताल क्यों की गई है, क्या कुछ मांगे हैं। लेकिन नीचे की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से 2 घंटे की डॉक्टरों की हड़ताल रही, तो उसको लेकर जो मरीज हैं वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं और वो क्या मांगे हैं उन डॉक्टर्स की, और तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। पीएम ऑफिस में हम चलेंगे, वहां बातचीत करेंगे। डॉक्टर विनय गुप्ता हमें मिल गए। डॉक्टर विनय गुप्ता कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नीचे मरीज परेशान है, 2 घंटे की हड़ताल है, क्या पूरा मामला है? मरीज डॉक्टर सीट पे क्यों नहीं? मैं तो अपनी जब ड्यूटी पे आया था अभी 9 बजे सुबह, तो मेरे को यहीं पे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 घंटे की कोई इनकी सांकेतिक हड़ताल है। जो रेगुलर डॉक्टर हैं, सीएमएस सर्विसेज दे रहे हैं जो यहाँ पे, इनके जो इश्यूज थे जो भी कोई मीडिया वाले भी आके गए हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई एक डॉक्टर बनने से लेकर और डॉक्टर की वर्किंग और डॉक्टर की सर्विस कंडीशन जो है उन पर इनका कोई इशू है। तो अब देखना होगा कि भाई 9 से 11 तक किस तरह का जो रुझान रहेगा इस हड़ताल का और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। लेकिन फिलहाल तो मेरी यही अब मांग है सभी से कि भाई मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि नीचे ना एक भी सीट पर, क्योंकि मैं जब नीचे से ऊपर आ रहा था, मैं कहा पीएम ऑफिस में सभी लोग बैठे हैं, हड़ताल पर हैं, मैं कहा जाकर उनसे बातचीत की जाए। कोई अल्टरनेट तो होना चाहिए कि कम से कम अगर 10 डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टर हैं, तो एक दो जगह तो बैठना होना चाहिए ताकि मरीज को कोई परेशानी ना हो। लड़ाई सरकार से, सरकार से मांगे मनवानी है, सरकार से लड़ाई, इसमें हम जन मानस क्यों परेशान है? नहीं, इसमें जो मेरी नॉलेज में है उसमें शायद इन्होंने कोई इंटर्न्स वगैरह हैं जो नीचे दवाइयां लिख रहे हैं, मतलब पेशेंट्स के लिए टोटल ओपीडी तो नहीं बंद किया, ताकि कई लोग इमरजेंसी में भी आते हैं, दवाई कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट करना, तो शायद बैठे हैं नीचे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बट मेरी यही अपेक्षा है सरकार से या सभी जो लोग इसे सुन रहे हैं कि एक बार डॉक्टर्स की तरफ भी देख लीजिए कि भाई हम लोग ओवर बर्डन है, पहले से ही स्टाफ कमी है, तो जायज देखिए ये डिनाई हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की मांगे जायज है या ना जायज है, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि कैथल की अगर बात करूं मैं, तो कैथल में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और कम डॉक्टर होने के कारण काफी हादसे भी हुए हैं, काफी घटनाएं भी जो है डॉक्टर्स के साथ हुई हैं। अगर डॉक्टर की संख्या सही होगी तो ये घटनाएं नहीं होंगी और जो मरीज होंगे उनका इलाज भी जो प्रॉपर टाइम के अनुसार जो हो पाएगा। तो सरकार आपको सुन रही है और जो मांगे हैं उनकी, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सबसे नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर सबसे नोबल व्यक्ति होता है, और इसीलिए शायद इन लोगों ने 2 घंटे की सांकेतिक स्ट्राइक करी है। ये पूरे दिन भी स्ट्राइक पे जा सकते थे, तो हमें इस तरफ भी देखना चाहिए कि इन लोगों ने ध्यान रखा मरीजों का, तो इनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो भी हमारी आवाजें सुन रहा है, डॉक्टर्स की आवाजें सुन रहा है, वाकई हमारी हेल्थ फैसिलिटी को देखो, हमें कोई ईगो इशू तो बनाना नहीं सरकार और एचसीएमएस का जो भी इनका इशू है, लेकिन हमें ये चाहिए कि कोई भी मरीज को प्रॉब्लम ना हो, हमारा मेन एम ये होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने मांगा तभी 2 घंटे की हड़ताल की गई है, लेकिन आप देखिए कि उसके अलावा सर आपने पूछा एनएचएम के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, हम लोग हड़ताल पे नहीं है, मैंने अपनी अटेंडेंस लगाई है, लेकिन हम लोग मेंटली तौर पर इनके साथ हैं, क्योंकि हमारा हड़ताल करने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि हमारी तो कोई मांगे है नहीं, लेकिन इनके साथ हम मेंटली तौर पर जो ये कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं,
तो आपके चैनल का मानते हैं कि मांगे जो वो जाए था। मोहन जी आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप समय समय पर स्वास्थ्य से शिक्षा से संबंधित मुद्दे उठाते रहते हैं और आप यहाँ हॉस्पिटल में आए, आपको यहाँ से भी सूचना मिली। लेकिन मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मांगे बहुत जायज है कुछ हद तक, तो कुछ बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है ताकि दो घंटे की भी तंगी क्यों दे हम मरीज को। डॉक्टर साहब वैसे जहां तक मैं नॉलेज रखता हूँ तो काफी अरसे से ये मांगे जो है वो मांगी जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज सरकार को कानों तक जूं रेंगाने के लिए दो घंटे की साकेतिक हड़ताल की है। लेकिन कल दोबारा फिर इनकी मीटिंग है, सरकार अगर फिर भी नहीं मानती तो ये बड़ा भी कोई कदम उठा सकते हैं, तो उसको लेकर सरकार से क्या अनुरोध क्या आग्रह रहने वाला है? मेरा अनुरोध यही रहेगा कि अगर आपको कोई बात समझानी है, टाइम भी लेना है, तो इनसे टाइम लीजिए, इनको कोई ऐसा आश्वासन तो दो कि ये भी हड़ताल ना करें। मतलब मैं भी इस हड़ताल के पक्ष और विरोध में दोनों में हूँ, पक्ष में क्योंकि मैं डॉक्टर होने के नाते इनके पक्ष में हूँ, विरोध में इसलिए कि मरीजों को तंगी उठानी पड़ रही है। तो जो भी है ठोस आश्वासन दे दें कि भाई आपकी मांगे मानेंगे या नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो इतने दिन में मान लेंगे, ताकि इन बार बार जनता को कोई परेशानी ना हो। और मोहन जी मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन ईयर वैसे ही है, हाँ इलेक्शन तो चलिए हम तो ये चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, जो नई सरकार आएगी उसके सामने भी इनके यही इश्यूज रहेंगे, तो इलेक्शन से इसको जोड़कर ना देखा जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनय जो यहाँ से गुजरे थे, तो तमाम जानकारी इनसे हासिल। लेकिन आपको मैं जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा और उनसे भी बातचीत करेंगे, आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्या कुछ मांगे हैं। और तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी हैं कि किस तरह से तमाम डॉक्टर जो बैठे हैं और हड़ताल पर हैं, और 11 बजे जो है अपनी ड्यूटी पर पहुंचेंगे। दो घंटे का साकेतिक फिलहाल हड़ताल की गई, लेकिन सरकार को जरूर ये कहा है कि हमारी मांगे अगर नहीं मानी तो कल दोबारा से बोर्ड की मीटिंग होगी, तो उसके बाद कोई बड़ा ठोस निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। फिलहाल मांगों के लिए हम बात कर लेते हैं। जो दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल ये की गई है, ये जो पेन डाउन स्ट्राइक की गई है, हमारी जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, उनकी जो हमारी जो स्टेट बॉडी है राज्य स्तरीय जो हमारी, उनके आह्वान पर की गई थी। और इसके बहुत सारे इशू हैं स्ट्राइक के, जिनमें से मुख्य इशू है कि प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी, इसे पूरा किया जाए, खास करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्विस में बहुत ही कम है। जैसे हमारा यही का अगर उदाहरण है सिविल हॉस्पिटल कैथल, तो यहाँ अगर हम एमओ एसएमओ की पोस्ट देंगे 60 पोस्टें हैं, लेकिन जो रेगुलर डॉक्टर काम करने वाले 15-16 ही हैं, तो स्टाफ बहुत ही कम है, जिसकी तरफ से फिर भी सेवाएं सभी 10-12 लाख के कैथल डिस्ट्रिक्ट की आबादी के लिए, तो डॉक्टरों की संख्या देखें तो बहुत कम है। तो इसमें मुख्य मांगे थी कि हमारे एक स्पेशलिस्ट कैडर सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था, सीएम साहब ने 2 साल पहले अनाउंस किया गया था स्पेशलिस्ट कैडर, लेकिन आज 2 साल हो गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी ये मांग थी हमारी एसोसिएशन की कि उस स्पेशलिस्ट कैडर को लागू किया जाए, और उसमें जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे उस कैडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन कैडर्स उन सुझावों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। और दूसरी मांग थी कि पे स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को गवर्नमेंट सर्विस की तरफ उन्हें आकर्षित करने के लिए पे स्ट्रक्चर के लिए सुझाव दिया था गया था कि जो ACPs दिए जाते हैं सरकारी डॉक्टर्स को, वो अभी फिलहाल 3 दिए जा रहे हैं 5, 10, 15 साल की सर्विस, तो उसमें एक सुझाव था कि 20 साल की सर्विस पर भी एक 4th ACP दिया जाए, ताकि पे स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो डॉक्टर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए आकर्षित होंगे। तीसरी एक मांग थी हमारी कि जो एक बॉन्ड इशू है नए डॉक्टर जो इन सर्विस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आगे पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो सरकार ने जो बॉन्ड अमाउंट वो 1-1 करोड़ कर दिया था, 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी देनी पड़ती है, जो किसी नए बच्चे के लिए कैंडिडेट के लिए 1-1 करोड़ के 2 श्योरिटी ढूंढना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी उतनी दिखाकर उसकी वैल्यूएशन करवाकर वो बॉन्ड सबमिट करने पड़ते हैं, तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है ये। और चौथी जो हमारी एक मांग थी कि एक तो सारे जो प्रोसेस हैं ACPs और NOCs सर्विस के लिए PGs के लिए देना काफ़ी डिले भारी भरकम डिले वाला प्रोसेस हो जाता है, इसे आसान किया जाए। जो इन सर्विस डॉक्टर की प्रमोशन है वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, 20-20 साल के बाद भी प्रमोशन नहीं हो पाते, मेडिकल ऑफिसर भर्ती होता है बंदा, मुश्किल से पूरी सर्विस में है कि प्रमोशन SMO बनेगा रिटायर हो जाएगा। इसका एक मेन कारण था कि डायरेक्ट SMOs बीच में आ जाते थे, जिससे पूरा कैडर स्टैग्नेशन आ जाता है, बाकी पिछले डॉक्टर वहीं रह जाते हैं। तो इस डायरेक्ट SMOs की भर्ती ना करके जितनी पोस्ट खाली हैं, जो जिनकी काफ़ी 15-20 साल सर्विस हो चुकी है, उनको एक्सपेडाइट तेज किया जाए प्रोसेस प्रमोशंस का। इसके लिए स्टेट एसोसिएशन की मीटिंग होगी दोबारा, कल उनकी मीटिंग है, उसके बाद वहाँ उस मीटिंग में ही निर्णय लिया जाएगा।